वेलकम डियर फ्रेंड, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य की जो शक्तिशाली सेना है उनके बनने के क्या पीछे कारण रहा था, उनकी बात की थी हमने। हमने सिकंदर की भी बात की थी, ठीक है। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। पाठ हमारा पांचवा ही है लेकिन पूरा हो जाएगा और आज नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ संख्या 6, ठीक है। पहले पाठ संख्या 5 का एक टॉपिक रह गया था, हमने मगध पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे वज्जी महाजनपद। थोड़ी सी उसकी बातें हैं, उसके बाद में नए पाठ की शुरुआत करेंगे। देखो वज्जी महाजनपद वो कहाँ है, जैसे अपने पढ़ा था मगध है, जैसे ये दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत के जो मगध था उधर इधर वज्जी उसके पास में है, ठीक है। तो वज्जी यहाँ आया हुआ है और इसकी जो राजधानी है वो थी वैशाली, बिहार में। ये भी कहाँ है भाई, बिहार के अंदर ही है, ठीक है। वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना। तो मगध की बात कर ली थी, बात करेंगे वज्जी जो महाजनपद था वो भी मगध की तरह एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। और यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो अलग प्रकार की थी। देखो मगध में क्या एक शक्तिशाली राजा होता था, उसके अंडर में सारे काम करते हैं। यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो गण या संघ के रूप में थी, ठीक है। तो वज्जी के अंदर जो शासन व्यवस्था है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो शासन व्यवस्था है वज्जी महाजनपद के अंदर वो एक राजा के रूप में नहीं थी, दरअसल यहाँ पर गण या संघ के रूप में थी। गण या संघ का मतलब ये होता है कि राजाओं का समूह, ठीक है, राजाओं का समूह मतलब राजाओं का संगठन, राजाओं का संगठन। ये जो राजा बने हैं, यहाँ एक राजा नहीं बहुत सारे राजा होते थे, ये जो राजा हैं वो विशेष अनुष्ठान करके यज्ञ करके बने हैं। बात समझ में आ रही है। वज्जी जो महाजनपद था वहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो थी गण या संघ शासन व्यवस्था। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ एक राजा नहीं बहुत सारे राजा होते थे, उन राजाओं का जो समूह है उसको गण या संघ कहते थे। गण मतलब राजाओं का समूह और संघ यानी राजाओं का संगठन। ये जो राजा हैं जो उस समय के जो शक्तिशाली हैं उन राजाओं में उनका नाम आता था, उसमें शामिल थे। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो राजा बने हैं साथ साथ में उनका अनुष्ठान चलता था, साथ में अनुष्ठान करके ये राजा बने हैं और खुद को अपने आप को व्यक्ति को या अपने आप को राजा के रूप में व्यक्ति माना है। ये जब भी किसी विषय पर बात करनी हो, बहस करनी हो, विचार विमर्श करना हो तो साथ में बैठकर करते हैं कि भाई आज हमारे साम्राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलानी है, तो साथ में मिल करके। मगध है तो वहाँ तो एक राजा ने जो हुक्म दिया है, जो न्याय किया है, जो बात की है वो अंतिम होती थी, वो अपने नीचे जो मंत्री हैं उनसे वो सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर सभी मिल करके सभी की सहमति से फिर फैसला होता था और उनकी बात मानी जाती थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी किसी दूसरे का आक्रमण होता तो सभी साथ में युद्ध में जाते थे और इस प्रकार से वो आगे मतलब युद्ध में जीत कर लेते थे, हो जाते। और वो किसी भी सभाओं के अंदर जिसके अंदर स्त्री या दास या कम कार्य इनकी सभाओं में वो कभी हिस्सा नहीं लेते थे। मतलब ऐसी सभा जहाँ स्त्रियाँ हैं उन सभाओं में जहाँ दास लोग हैं उनकी सभा हो रही हैं, ठीक है। और जो काम करने वाले हैं कम कार कोई भी दूसरी जाति, ठीक है, उनके भी वो विशेष के ध्यान रखना है कि उनकी सभाओं में वो भाग नहीं लेते थे। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा, तो वो भी किसी जो गणराज्य है या संघ है उससे संबंधित थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। तो हमने वज्जी साम्राज्य के जो दो तीन बातें की हैं
इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आज हमारा जो नया लेसन शुरू होता है और जो पाठ संख्या 6 हैं उसकी बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं। पाठ संख्या 6 नया पाठ है, पाठ संख्या 6 क्या नाम है? नए विचार या नए प्रश्न, नए विचार, नए प्रश्न और नए विचार। अब दो, अब आपको बात ध्यान में रखनी है कि कैसे नए विचार आते हैं, नए प्रश्नों से, नए क्वेश्चन से कैसे विचार आते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो, किसी भी व्यक्ति में नया कोई क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन पहली बार आया है तो उसका हल निकलेगा, तो हल निकालने के लिए नए विचार होना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? तो जब किसी भी दिमाग में नए क्वेश्चन आएंगे, नए प्रश्न आएंगे, तो उनके सॉल्यूशन के लिए नए नए विचार उत्पन्न करना ज़रूरी है। और उसी नए प्रश्न से फिर नए नए विचार बढ़ते गए और नए विचार के साथ में नए धर्म, नए जाति और नए प्रकार के लोगों का समूह बनता गया। भाई मान लो किसी जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उसमें से 10-15 लोगों का जो विचार है कुछ अलग है, तो वो फिर अपना समूह बढ़ाएंगे, अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे, तो श्योर है कि वो उनकी जाति बन जाएगी या समूह बन जाएगा या उनका धर्म बन जाएगा। तो पूरे विश्व में जो धर्म निर्माण है उनके पीछे जो कारण हम समझ में आता है या अपन दरअसल देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनके दिमाग में नए विचार आए, उनको जिन विचारों के ऊपर इतना विश्वास था और उनको लगा कि ये विचार बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर उन्होंने उन विचारों को छोड़ करके नए विचारों के साथ में नई परंपरा या नए धर्म अपनाए, नए धर्म बना दिए। और उन धर्मों को फैलाने के लिए, उन विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने हर प्रकार से प्रयास भी किया है। बात समझ में आ रही होगी मेरी? भाई कोई धर्म कैसे बनता है अपन ये समझ रहे हैं। मान लो किसी जगह पर 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और वो 100 लोगों में से 50 लोगों का विचार अलग है, वो किसी अलग बात को मानना चाहते हैं, मतलब उन 50 लोगों को उस धर्म से, जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, वो बातें उनको बिल्कुल पसंद में नहीं आई है, उनको बढ़िया नहीं लग रही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अलग बातें, अपने अलग विचार रखेंगे और फिर अलग तरीके से क्या करेंगे, धर्म अपनाएंगे। ठीक है, तो इसी नए प्रश्न के साथ में, नए विचार के साथ में जो नया लेसन है उसके अंदर सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है बुद्ध की कहानी, बुद्ध की कहानी, भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा आपने, सभी जानते हैं। इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इनको क्यों याद करते हैं लोग, इनको भगवान क्यों मानते हैं, इन्होंने क्यों एक नए धर्म की स्थापना की, और साथ साथ में इनकी कौन कौन सी शिक्षाएं हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है उनके जो संस्थापक हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, जिनका जो मूल नाम है वो सिद्धार्थ था। ठीक है, तो बुद्ध ने एक बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, संस्थापक का मतलब होता है कि स्थापना करने वाले, वो कौन है? भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध को जो, भगवान बुद्ध का जो मूल नाम है, असली नाम है, वो सिद्धार्थ था। ठीक है, तो एक जो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे बुद्ध या सिद्धार्थ ने। मूल नाम ये है, मूल नाम तो ये है, तो अपन सही इसको मानेंगे, लेकिन ये भी सही है क्योंकि एक ही व्यक्ति है। तो भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसके संस्थापक है, और उनका जो मूल नाम है सिद्धार्थ है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इनका जो जन्म है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ आज से। ठीक है, और दरअसल जब भी इनका जीवन के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है तो उन्होंने कुछ नए विचार दिए और नई बातें लोगों के सामने पेश की। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो शक्तिशाली राजा थे उन्होंने किस प्रकार अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किए, और
हर प्रकार से प्रयास में उन्होंने नए तरीक़ों से राजा बनने के लिए या साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। उसी प्रकार जब भगवान बुद्ध भी राजा बन गए हैं या जब उनको लगा कि किस प्रकार से लोग बदल रहे हैं, लोगों की इच्छाएं किस प्रकार की हैं, जीवन को कैसे बदलना चाहिए, ठीक है, तो उनकी फिर कुछ शिक्षाएँ आती है हमारे जीवन में, उनकी हम बात करेंगे। तो एक बात आपको ये समझनी है कि जब हम कुछ नए प्रकार के लोगों को देखते हैं, हम नए प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, तो हमारे विचार में नए नए विचार आते हैं और उन विचारों से फिर हमारे जीवन में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो जो भगवान बुद्ध हैं वो एक क्षत्रिय थे और जिस गण से संबंधित थे वो था शाक्य गण। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो क्षत्रिय थे, ठीक है, और शाक्य गण से संबंधित थे। अब समझो, मैंने अभी आपको बताया कि गण क्या होता है, राजाओं का समूह है, मतलब जो अपने वजी की बात की थी, तो जो वजी महाजनपद है उसके अंदर जो शासन व्यवस्था है वो गण या संघ से संबंधित है। तो इनका जो संघ या जो गण है वो शाक्य गण था और जो वंश है वो क्षत्रिय वंश से जुड़े हुए थे, कौन, भगवान बुद्ध। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखो, इन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी दुख नहीं देखा, जब इनका जन्म हुआ और जब वो बड़े हुए और जब युवा अवस्था में आए तब तक इन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ और उन्होंने दुख को कभी देखा नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके जो पिता थे उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली दिखाने के लिए वो जब गए ब्राह्मण के पास में, तो ब्राह्मण का कि ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है, आगे होकर एक बहुत बड़ा या तो राजा बनेगा शक्तिशाली या बहुत बड़ा संत सन्यासी बनेगा। अब पिता को इस बात की टेंशन होने लगे कि या तो इस, क्योंकि ब्राह्मण का या तो बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा, सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो एक ही पुत्र था तो पिता को ये भय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुख को देख करके और किसी भी कारण से साम्राज्य को छोड़ करके शक्तिशाली राजा न बन के बड़ा शक्तिशाली सन्यासी बन जाए, इसलिए उसको हर प्रकार से सुख दिया जब तक बड़ा हुआ, किसी प्रकार का उसको कष्ट नहीं हुआ भगवान बुद्ध को, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर जब बड़े हुए उनकी शादी भी की, यशोधरा से उनकी शादी हुई, पत्नी का नाम यशोधरा था, और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, तो उनकी शादी भी हुई और उनके पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा या यशोधरा, और फिर उनका एक बेटा भी हुआ, उसका नाम था राहुल। लेकिन अब जब पिता को लगा कि भाई जब तक तो ये बड़े हुए इनको किसी प्रकार का दुख नहीं दिया गया और पूरे नगर के अंदर ये बात फैलाई गई कि कोई इनके सामने, पहले बात तो उनको बाहर नहीं जाने दिया, उनको बस घर के अंदर सारी सुख संपदाय देती थी। लेकिन साम्राज्य में ये भी बात बताई गई थी कि जब भी भगवान बुद्ध या जो सिद्धार्थ हैं वो घर से बाहर निकले तो उनके सामने कोई दुखी आया, इस प्रकार का कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे इनका मन परिवर्तन हो जाए। यशोधरा से शादी हो गई, राहुल पुत्र हो गया, तो पिता को लगा कि अब तो इनके सब रेडी हैं, आराम से ये राजा बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन वो जब साम्राज्य से बाहर निकले और नगर भ्रमण में निकले अपने नगर के अंदर देखने के लिए कि सब कैसे सिस्टम चल रहा है, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति को मरते जाते हुए, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, तो उनसे देखकर उनका मन परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि दुख में, संसार में इतना दुख है और व्यक्ति को एक दिन जाना है, तो
फिर ये व्यक्ति क्यों इतना भागदौड़ी करता है, इतना काम करता है, क्यों व्यक्ति फिर इतनी मोहमाया पड़ा, ऐसा विचार आया उनके दिमाग में, उनके मन में, ये बात ध्यान में रखनी आपको। और फिर उनको लगा कि जो भी दुख है उनके पीछे जो कारण है वो सभी हैं सुखों को प्राप्ति करना। अपने मन में जो इच्छा है उन इच्छाओं की वजह से हमको दुख होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मुझे ये चीज़ खानी है और नहीं मिलती तो दुख होगा, सीधी सी बात है। किसी के मन में ये हुआ कि आज मुझे वहाँ घूमने के लिए जाना है और किसी कारण से वो नहीं जा पाते हैं, मतलब घूमना, पहली बात है मन में इच्छा हुई कि मुझे वहाँ घूमने के लिए जाना, मतलब घूमने के लिए उसको जाना पड़ेगा, किसके लिए, सुख प्राप्ति करने के लिए, और सुख के लिए या जाने के लिए अगर वो नहीं जा पाता है तो फिर उसको दुख होगा। तो दुख का जो कारण है वो अपनी इच्छाएं हैं, सुख की प्राप्ति के लिए हमको दुख होते हैं। और फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की दिमाग में आ गया किसके, भगवान बुद्ध में, सिद्धार्थ में, जब उन्होंने इस प्रकार की दुख वाली घटनाएँ देखी। और फिर वो अपने साम्राज्य को, अपने महल को छोड़ देते हैं, सारे सुखों को छोड़ देते हैं और फिर जंगल में, ठीक है, पहले वो अलग अपने गुरु के पास में जाते हैं, वहाँ गुरु बनाते हैं और वहाँ पर जब वो शिक्षा लेते हैं तो उनको संतुष्ट नहीं होती है, फिर वह जगह छोड़ करके वो क्या करते हैं, अकेले ही ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। वो जो तपस्या करते हैं वो करते हैं बोधगया में, बिहार के अंदर जगह है बोधगया, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। तो भगवान के बुद्ध के इसी जीवन के बारे में एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बोधगया, पहले गया नाम था लेकिन अब उसको बोधगया कहते हैं, ये कहाँ आया हुआ है, बिहार के अंदर जगह है, यहाँ एक पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं कई समय तक, कितने वर्षों तक। और तपस्या करने के बाद में एक दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में वहाँ से चलते हैं और वाराणसी के पास में जो सारनाथ है वहाँ पर वो क्या करते हैं, सबसे पहले ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो उपदेश है वो कहाँ देते हैं, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में सबसे पहले अपना क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, ये बात ध्यान में रखनी आपको। तो अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में देते हैं भगवान बुद्ध, और उसके बाद में काफ़ी समय तक लोगों को ज्ञान देते हैं और अंत में उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हो जाती है। तो जो मृत्यु है कुशीनारा में होती है। देखो वैसे भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ना बहुत बड़ी बात है और काफ़ी ज्ञान है, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग आपको इतना ध्यान रखना है कि बोध गया में तपस्या करते हैं, वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सारनाथ में वो अपना उपदेश देते हैं, कुशीनारा में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। और लोगों को जीवन की नई नई शिक्षा देते हैं, तो दो तीन शिक्षा की भी बात करेंगे अपन। बुद्ध की जो शिक्षाओं में जो सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि अगर जीवन में दुख है या कष्ट है उसके पीछे क्या कारण हो सकती हैं, तो भगवान बुद्ध ने जो कारण बताया है कि किसी भी जीवन में दुख या कष्ट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है लालसा या इच्छा। तो हम भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाओं में जो कारण मिलता है, शिक्षा की बात कर रहे हैं कि अगर जीवन में जो कष्ट हैं या दुख हैं तो उसके पीछे जो बड़ा कारण बताया उन्होंने, वो बताया है कि जीवन के अंदर अनेक प्रकार की हमारे मन में क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और जो लालसा है उसकी वजह से हमारे जीवन में क्या होता है, हम कह सकते हैं कि दुख होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। व्यक्ति को जितना मिलता है उनसे वो हमेशा संतुष्ट नहीं होता, उसको उसकी इच्छा होती है कि वो और भी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ये वहाँ कि किसी व्यक्ति को जितना मिला है अगर उस व्यक्ति उस चीज़ से, उस सामग्री से अगर संतुष्ट नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि वो उसके मन में क्या है, एक तृष्णा है, भगवान बुद्ध ने उसको तृष्णा कहा या तृणा का, तो
तनहा या तृष्णा, ये दो शब्द याद रखने हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जितना मिला है और उसको मिलने के बाद में अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके मन में क्या है, तृष्णा है। तृष्णा मतलब होता है पाने की इच्छा, लालसा, मतलब ऐसा कोई भी काम कर देना उसको प्राप्त करने के लिए। उस व्यक्ति के मन में आत्मसंयम नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति के मन में आत्मसंयम नहीं होगा तो ऐसे में वो लालसा इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो शिक्षा की हमने बात की है, और उन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए और साथ साथ में मनुष्यों को जानवरों के प्रति दया भाव रखने के लिए भी बात की, ठीक है। इस प्रकार से उनकी ये शिक्षा है, और उन्होंने जो अपनी शिक्षा दी वो प्राकृतिक भाषा में दी, प्राकृत भाषा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी, तो बड़ी बात है, ध्यान रखना है कि प्राकृत भाषा में शिक्षा दी। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। जब अपन संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत से फिर अपभ्रंश टूटते हुए इस प्रकार से प्राकृत भाषा फिर खड़ी बोली, तो संस्कृत का जो टूटा रूप है प्राकृतिक भाषा, उसमें ही भगवान बुद्ध ने क्या दिए, लोगों को शिक्षा दी है सरल भाषा के अंदर। फिर भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि वो उपदेश है, बल्कि अपने दिमाग से उसको समझकर अपने विवेक से ही मानना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको कोई शिक्षा दी है जीवन से जुड़ी हुई, तो उसको ऐसा नहीं कि आपने सुना है और इसलिए मान लिया, आप उससे अपने दिमाग में ग्रहण करो, उससे संबंधित विचार करो, उसके बाद में उसको मानो। तो मेरे हिसाब से शिक्षा क्या है, आपने थोड़ी बहुत उसकी बात कर ली है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि भगवान बुद्ध के जीवन से किस प्रकार की घटनाएं हैं, उनका जीवन किस प्रकार का है। तो अपन को ये समझना है कि उस दौर में आज से लगभग 2500 साल या 2300 साल पहले किस प्रकार लोगों के दिमाग में नए विचार आए, और उन विचारों की वजह से नए धर्म बने। भगवान बुद्ध में इस प्रकार के विचार आए तो भगवान बुद्ध ने नया धर्म की स्थापना कर ली, जिसकी बात हमने की है बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।